दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु। दोस्तों कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अफसोस कि हमारा ये जल आजकल बहुत दूषित हो चुका है। शहरों में तो और भी स्थिति भयंकर है, आप कहीं का भी पानी पीने लायक नहीं है। ऐसे में हमें या तो बिसलेरी का पानी पीना पड़ता है जो काफ़ी महंगा पड़ता है, रोज़ रोज़ लाने की दिक्कत रहती है। दूसरा, बहुत सारे जो पानी वाले सप्लाई करते हैं उनका कोई विश्वास नहीं होता है कि उसमें क्या क्या वो मिला के लाते हैं, केमिकल से साफ करते हैं, क्या करते हैं, जिससे हमें कुछ शरीर में भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, उसके लिए ये प्रोडक्ट है कामियो नीर अमृत वाटर प्यूरीफायर। ये आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों इसमें क्या है, ये लगभग 6000 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा और पानी सही तरह से ये आपको साफ करके प्यूरीफायर करके देगा। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, गाज़ियाबाद का ही बना हुआ है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश का बना हुआ है और इसमें ये फीचर है आरओ प्लस यूबी प्लस यूएफ प्लस टीडीएस एडजस्टर विद एल्केलाइन। तो दोस्तों आज हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चाकू से इसके टेप को काट लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों ये है मैनुअल इसका और वारंटी कार्ड। इसके बाद इसमें ये पाइप है, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, जिससे पानी आएगा और जाएगा। उसके बाद इसको इसमें और क्या निकलता है देखते हैं। ये एक और पैकेट है, देखते हैं साइड में। तो ये इसमें दोस्तों ये है आपका जो टोंटी लगती है पानी के लिए। उसके बाद इसमें ये TDS नापने का मीटर है, जिससे आपका पानी का TDS नापा जाएगा कि TDS पानी का जो कितना आ रहा है, कितना पहले था आपका, उससे ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में ये टेप है जो आपकी लीकेज वगैरह रोकने के लिए लगाते हैं उसमें फिटिंग में, और बाकी ये सब इसके फिटिंग हैं जो हमें काम आने वाली हैं। तो अब इसको खोल लेते हैं, इसका बॉक्स निकाल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। कंपनी वाले तो क्या क्या बताते हैं और इसमें क्या क्या निकलता है देखते हैं। तो ये हमने ऊपर वाला कवर निकाल दिया है, इसका ये थर्माकोल पैकेट भी निकालते हैं, ये निकाल दिया है। ये है आपका कानियो नीर अमृत प्यूरीफायर। दोस्तों अब इसको हम जहाँ हमें फिट करना है वहाँ पर ले जाते हैं और इसका इसके ऊपर जो पॉलीथीन का रैपर लगा हुआ है उसे भी हटा देते हैं और हटाने के बाद इसको यहाँ हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए जो ड्रिल वगैरह हैं छेद करने हैं इस। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये फिल्टर यहाँ पे फिट कर लिया है। ये आपका इनलेट पाइप है जो एक ये टंकी में जोड़ दिया है और ये पाइप आपका इधर बाहर उसमें जा रहा है प्यूरीफायर में। इस आरओ सिस्टम को फिट करने के लिए पहले इसमें मशीन से होल कर लेते हैं और होल करने के बाद इसको
पेचकस से उसमें स्क्रू वगैरह टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद उसको सेट कर देते हैं जिससे वो सही तरह से उसमें फिक्स आ जाए। अब इसको दोस्तों यहाँ पे हम लगा के एक बार चेक कर लेते हैं, पावर सप्लाई देके और पानी का कनेक्शन देके किस पानी सही तरह से अपना ये काम पूरा कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों देखते हैं ये टैंक में पानी जा रहा है, इसकी लाइट देखो ऑन है और अब इसको हम फिट कर देते हैं चेक करके। फिट करने के बाद इसमें स्क्रू होते हैं उससे ये बॉडी को फिट कर दिया है। फिट करने के बाद इसको ऊपर हमने लगा दिया है। लगाने के बाद जो पाइप का आउटलेट इनलेट इनलेट कनेक्शन है वो इसमें कर दिया है। ये दोस्तों ये सारा चेक करके हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको ऑन करते हैं। ये ऑन करते ही इसमें ये एंटीवायरस एलईडी लैंप लगी हुई है जो पानी को काफ़ी टाइम तक अगर रखा रहे पानी उसको सुरक्षित रखती है। दूसरा ये जब जैसे ही टैंक फुल हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक पानी बंद हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। जब फिर पानी निकलेगा तो फिर चालू हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद टैंक भरने वाला है, ये ऑफ हो जाएगा। जब तक हम इसका पहले टंकी का पानी का TDS चेक करते हैं। TDS हमारे यहाँ के पानी का काफ़ी अच्छा है, 620 के आसपास है, लेकिन फिर भी दूसरा अब इसका चेक करते हैं। इसका अभी 200-250 के आसपास आ रहा है, लेकिन ये कुछ देर अभी चलेगा तो ये काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। बाकी इसमें और एडजस्ट करने का भी होता है, उससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी अभी हमने इतना ही रखा है, बाद में देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी देखने में भी इंट्रैक्टिव लग रहा है और लाइट जली हुई है, बहुत एंटिक पीस लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।